पिताजी ने आपको वचन दिया है और मैं उसका पालन करने के लिए तत्पर हूं। बिना किसी भय, बिना किसी शंका, बिना किसी संकोच के बाबा पुत्र, जब भी संशय हो पूर्वजों द्वारा प्रदर्शित किए मार्ग का स्मरण करना और मुझे जो वचन दिया है तुमने उसका स्मरण करना। अवश्य पिताजी। गुरुदेव, गुरुदेव आप भैया के साथ मुझे भी ले चलिए। पिताजी और भैया के प्रत्येक वचन का पालन करूंगा मैं। गुरुदेव, राम भैया जैसा योद्धा नहीं हूं और वो मेरे बिना कहीं भी जाए ये मेरे लिए अकल्पनीय है। जन्म से लेकर आज तक जीवन का हर पल मैंने भैया के साथ बिताया है। उचित है यदि तुम्हारे पिता अनुमति दें तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। अवश्य। मुझे प्रसन्नता होगी यदि दोनों भाई एक साथ रहे। यहां आक्रमण करने अवश्य आएंगे और नहीं तो क्या, वो आएंगे और देखेंगे। हम पहले से ही कितने भयभीत और दुर्बल पड़े हैं। वो यही सोचेंगे कि हमें पराजित करना कितना सरल है। हाँ, हम भयभीत हैं, स्वाभाविक है, पर हमें अपने भाई से अधिक ईश्वर पर विश्वास है कि नहीं? यदि है तो हम दुखी नहीं, दुर्बल नहीं, निराश नहीं। यदि असुर यहाँ आए हमें देखें तो उन्हें भी ऐसे ही लगना चाहिए। निर्णय आप सबको करना है।
लगता है किसी ने मायावी शक्ति का प्रयोग किया था भैया। हमें भ्रमित करने का प्रयास है ये। इस क्षेत्र को शीघ्र छोड़ना होगा हमें। चलो। तुम्हारे हर लेंगे दुख पीड़ा कष्ट ये सारे। आएंगे वो तारनहार बन के तुम्हारे हर लेंगे दुख पीड़ा कष्ट ये सारे। आएंगे वो सारे आएंगे वो तारनहार।